और केसाई जी के गाने खूब हिट होते हो रहे हैं, उनको अब फिल्मों पे ध्यान देना चाहिए, फिल्मों को हिट करना चाहिए। बिल्कुल, तो फिल्में तो हिट हो ही रही है, हम फिल्म पे ध्यान नहीं देते तो लिट्टी चोखा कैसे हिट होता, पबजी कैसे चलता, हमारे एक और सिनेमा चोरी चोरी चुपके चुपके कैसे चलती, एक और सिनेमा रिलीज हुआ था मेरा प्यार किया तो निभाना, वो कैसे चलता। अगर चल रही है चीज़ें, अभी बताइए कोविड में जब सलमान खान नहीं चल पाए तो खेसारी का क्या औकात है भाई। तो हमारे कहने का मतलब कि कोविड में तो कोई नहीं चला, कोविड में तो भगवान तक नहीं चले, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें धरती पर। एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए, चलना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी जो फिल्में कर रहे हैं उसको भी चलना चाहिए। हाँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ खेसारी और पवन की नहीं है, ये खेसारी और पवन की नहीं है, यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर करेक्टर हीरोइन हीरो हर आदमी का विषय है, क्योंकि हमारा सिर्फ खेसारी सिनेमा से नहीं जुड़ा है, भोजपुरी का भविष्य जुड़ा है। तो हम भोजपुरी के भविष्य के लिए अगर काम करते हैं तो दिनेश भी अभी काम कर रहे हैं, ये बात उनको भी ध्यान देना है, हमें भी देना है, हर कलाकार को देना है जो भोजपुरी समाज के लिए लड़ रहा है, कर रहा है और दो रोटी कमा भी रहा है और लोगों को दान भी कर रहा है और अपना परिवार भी चला रहा है। संजय जी, संजय सर, कब तक केस फॉर यू पे खेसारी जी का गाना या कोई प्रोग्राम आएगा? अभी आपके सामने हमारे खेसारी जी आ गए हैं, कोई सीमा नहीं होता और टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। उम्मीद करें दर्शक, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, हम अपने अंदर उम्मीद जगा के भगवान पत्थर को भी विश्वास जगा देते हैं। संजय जी, उम्मीद पे पूरी दुनिया है। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे चीज़ हैं, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके इस भोजपुरी मनोरंजन चैनल पे अश्लीलता ना आए? आप अभी तो मैं बोलूँगा कि वाकई में जो मैं करने जा रहा हूँ, और अभी तक भोजपुरी में मैं अश्लीलता मानता ही नहीं, क्योंकि अश्लीलता चलता ही नहीं, और हमारे जो ट्रेडिंग स्टार हैं हरदम अच्छा ही रहते हैं, अच्छा ही गाना गाते हैं, और तो निश्चित तौर पर भोजपुरी भी बहुत अच्छा ही कर लेके आएगा आपके सामने, और अभी फिलहाल मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। देखिए, अगर आप भोजपुरी को अश्लीलता बोल रहे हैं तो पूरी समाज को गाली दे रहे हैं सर, मेरा मानना वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर भोजपुरी में खेसारी अश्लीलता लाए हैं, पवन सिंह लाए हैं, दिनेश जी लाए हैं, मनोज जी लाए हैं, रवि जी लाए हैं, बाकी आर्टिस्ट लाए हैं, तो मुझे लगता है कि खेसारी को बड़ा करने वाला कौन है? हमारी जनता है, तो हमारी जनता अश्लील तो नहीं है। आपके अंदर कुछ कला जरूर होगा जिसकी वजह से आपको दुनिया ने प्यार और अपना बेटा बनाकर अपनी गोद में बैठा लिया, तो हमारी भोजपुरी अश्लील ना थी ना है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार भी उतना ही है, रिश्ते भी अनमोल हैं, हमारी मिट्टी इतनी खुशबूदार है कि मुझे लगता है कि धरती के सबसे अच्छे अन्न से लेकर फल तक हमारी मिट्टी देती है, और उसी मिट्टी के पैदाइश खेसारी लाल यादव का है, और वो मिट्टी कभी अपने भाषा से गद्दारी नहीं कर सकती। महाराज जी भी हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।